Yeah, I'm outside. Please come. Your shoes are ready to deliver. I'm standing outside your house. सर्दियां आती जाएं और मछली की शॉप्स पे रश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये हैं जी दही वाले पकोड़े। गाइस ये अभी रोड पे एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरे तरीके से। वेट। अगर आपने ये मुकम्मल ब्लॉग देखना है तो आपको अपने पास पॉपकॉर्न रखने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मुझे जल्दी से पहुंचना है इरफान के पास और बाकी बातें वहां इरफान के पास पहुंचकर आपको बताता हूं। तो अभी मैं जल्दी से निकलूंगा, हेलमेट और बाइक दोनों चीज़ें रेडी, तो लेते हैं और निकलते हैं। अभी ये शिकरा तैयार है तो इस पर चलते हैं। गाइज मैं पहुँच चुका हूँ मरी रोड की तवील ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद 6th रोड पहुँचा हूँ। अभी मैं पहुंचूंगा रावल डैम चौक में, इसके बाद फैजाबाद क्रॉस करके रावल डैम चौक में पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो इरफान को मैं मिलूंगा। जो मरी रोड को चौक जाता है उस पंप पे इरफान कह रहा था मैं खड़ा होऊंगा। आइए चलते हैं वहाँ। यकीन करें कि मरी रोड से जैसे ही इस्लामाबाद की तरफ एंटर हो चैन आता है एक इतनी ट्रैफिक होती है और हॉर्न और रश, बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। इस्लामाबाद में इंटर होते ही सब ने जनाब हेलमेट पहन लेने हैं और पिंडी में कोई बंदा हेलमेट नहीं पहनता, बहुत कम लोग हेलमेट पहनते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि हेलमेट जरूर किया करें, साथ लिया करें, क्योंकि एक सेफ्टी है तो हेलमेट का खास ख्याल रखा करें। तो अभी मैं नज़दीक हूँ इस रावल डैम चौक के, उसके बाद मैंने लेफ्ट होना है और आगे पंप पर जाके मैंने स्टे करना है, इरफान का वेट करना है। इरफान आएगा उसके बाद आज का व्लॉग हमारा सही से स्टार्ट होगा। गाइज ये अभी रोड पे एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरे तरीके से, कैरी डब्बे का और इस GLI का। ये देखिए अब पता नहीं बचत हुई है या नहीं, चल के आगे पूछते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये स्कूल वैन थी जो छोटी बच्चियों को ले के जा रही थी और इनके दरमियान आपस में तसादुम हुआ है, तो आइए पता करते हैं। बचत होगी भाई, स्कूल बच्चियों की वैन थी है ना। अच्छा ये गाड़ी लगी है जी, बहुत बुरे तरीके से लगी है। ये देखें गाड़ी का ये फेंडर जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ओवर स्पीडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरे तरीके से गाड़ियाँ लगी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे और ये खड़े हैं जनाब। सो गाइज मैं इरफान के पास पहुंच चुका हूँ खैर आफियत से। अभी मैं और इरफान अपना सफर जारी करेंगे। आज इरफान ने मुझे किया है भाई किया, वो कहते ना भाई किया तो भाई किया, आज मैंने भाई किया इरफान ने। तो आज का दिन इरफान के साथ सारी जगह हम घूमेंगे, इस्लामाबाद सारा। इरफान इस्लामाबाद घूमना है, पूरा इस्लामाबाद घूमेंगे और इरफान की कुछ डिलीवरीज है वो भी देंगे और इंजॉय करेंगे। अभी हम फिर से खड़े हैं, ये ढोकड़ी चौक है इसे कहते हैं, पुराना जो मरी का रास्ता जाता टूवर्ड से राइट साइड में अगर आप देखना चाहेंगे आगे जाएंगे तो जो बैक साइड में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये VIP होटल, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन रेडी है, अभी वो बन रहा है, लेकिन कहते हैं वर्ल्ड वाइज का सबसे बेस्ट होगा होटल। तो इससे आगे हम आपको विजिट कराते हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद। आइए चलते हैं। इरफान अभी किधर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं F6। चलें फिर। पहुंचे हैं मैरियट होटल, यहाँ पे इसने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे, वो अंदर गया हुआ देने के लिए, तो इरफान जैसे ही वापस आता है तो फिर हम अपना सफर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इरफान आ गया वापस, मैरियट होटल है जिसके पास हम थोड़ा सा एक था बिल देना था यहाँ पर, यहाँ से सीधा इंशाल्लाह आप F6 जाते हैं। ये जितना भी पैकेज आप देख रहे हैं ना इरफान ने उठाया हुआ, ये सारा आज डिलीवर करना है। इरफान यहाँ किसको मिलना है? पीटर है, फार्मर है। या आई एम आउटसाइड, प्लीज कम। योर शूज इज रेडी टू डिलीवर, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस। थैंक यू। तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसलिए उसने ऑर्डर को जो है वो मज़ीद ये कहा है कि इसको सॉफ्ट करें, और शूज़ का लेदर था वो उसको बोल रहा था कि और भी सॉफ्ट करो ना, तो साइज़ उसको लेंथ वाइज ठीक था लेकिन ऊपर से जो है ना वो थोड़ा हार्ड था उसको। सो गाइज अब मैं और इरफान जा रहे हैं F8 पूरा इस्लामाबाद घूमने इरफान के साथ और फुल एंजॉय करना। ये है मार्गला हिल्स,
ये सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने, बहुत ही पुरसकून जगह है और बहुत ही मतलब एक अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। राइट साइड पे सारी मारगला हिल्स हैं और ये मारगला रोड है, बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा रोड है। वैसे तो नहीं कहते कि इस्लामाबाद इस्लामाबाद है भाई, वाकई इस्लामाबाद इस्लामाबाद है, साफ सुथरी रोड्स आपको मिलेंगी। ये दोस्ती बहुत, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। एफ एट मरकज में एक छोटा सा ज़ू है बहुत प्यारा, जहाँ पे हिरन ही हिरन। एफ एट मरकज का ये ज़ू है छोटा सा, जहाँ पे सिर्फ कह रहा है इरफान के हिरन ही होते हैं। हम लोग F8 मरकज़ पहुंच चुके हैं, इरफान गया हुआ है कुछ डिलीवरी देने के लिए। आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी के किसी भी फेमस जगह पे चले जाएं, क्वेटा होटल आपको लाजमी देखने को मिलेगा। ये सारी रिक्रूटमेंट है आज जो हम लोगों ने करनी है इरफान के साथ मिलके। ये बिल्डिंग है जायज हेडक्वार्टर की। एक बात सोच रहा था कि अभी इतनी सर्दी है और इरफान इस्लामाबाद में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि मरी साथ में है, मारगला हिल्स साथ में है, इतनी ठंड में ये डिलीवरी करना आसान काम नहीं है। कि हलाल जो भी कमाता है अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मदद करती है। आप यकीन करें कि जब इस्लामाबाद में बारिश हो जाए, इरफान बारिश में भी डिलीवरी करता है, धूप हो छाँव हो, उसने अपना रिज़्क़ हलाल कमाना है। तो मेरे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अभी एक और गोरा है उसके पास जा रहे हैं, जॉर्ज नाम है ना उसका, तो ये अभी कौन सी का इरफान F7 में है हम लोग इस टाइम। स्ट्रीट का व्यू देखें, इतनी ग्रीनरी है और ये पूरी स्ट्रीट में ग्रीनरी है। अभी हम लोग भूल गए रास्ता, इरफान भाई से रास्ता पूछ रहे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। तो ये अब मैं अभी स्ट्रीट का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। ये मैं अब दे रहा हूँ रिसीविंग। इरफान भाई मैंने आपका आधा काम कर दिया। इरफान ठंड में क्या करते हो? ठंड में तू पता है इतनी ठंड है। आई एम वेयरिंग द मफलर शर्ट जैकेट वेयरिंग ग्लव्स एंड हेलमेट मास्क कैप। बारिश हो जाए तो कार पे आता है, बाइक पे नहीं आता। रेंट आई यूज कार। अच्छा F11 और G11 में, ठीक है। F11 और G11 जाना है। F11 G11 एंड बस F11 में दो काम है, G11 में एक है। ठंड होना शुरू होगी और मुझे भी ठंड लगना शुरू हो गई है। पहले भी मतलब बुखार था और फ्लू भी हुआ था, लेकिन आज फिर भी मैं निकल आया हूँ और अभी ठंड प्रोग्राम शुरू हो गया। पर्वत रोड है लेकिन ठंड हो रही है ना, पर्वत बना दिया। इरफान मुझे कह रहा है कि हम लोग चलते हैं दही वाले पकोड़े खाने के लिए। F7 मरकज में ही मिलेंगे दही वाले पकोड़े। दे रहा जो आपका दिल करे। इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे इस सेक्टर में, मैं और इरफान यहाँ पे दही वाले पकोड़े और साथ में चाय। इरफान दही के साथ चाय, दही वाले पकोड़े होंगे और साथ में चाय होगी। कोल्ड ड्रिंक किस साथ पिएंगे? तो फिर आप कह रहे हैं मिक्स है, ठंड है उसके साथ बेहतर नहीं। दही वाले पकोड़े खाने के बाद चाय पी रही है, सिर्फ चाय पी। क्या बात है, चले आज ट्राई करते हैं। ये है जी दही वाले पकौड़े, बहुत टेस्टी है। चेक करते हैं ना टेस्ट।
भैया ये बहुत मज़े के लग रहे हैं, अब आप इनकी टेस्ट करके बताएं कैसा लगा। अच्छा टेस्ट है इसका, नाम ही देखा दही वाले पकौड़े। दही वाले पकौड़े मज़े के भाई। गाइस अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो ये F7 है, F7 में शॉप में दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे आप आके ये ट्राई कर सकते हैं। ये सामने शॉप है, ये कॉर्नर वाली, इनसे मिलेंगे आपको दही वाले पकौड़े। एक स्पेशल टी है, टेस्टी है ना, मलाई भी है, बहुत मजे, बहुत मजे की चाय है। मैंने आगे एक चुस्की ली है, बहुत थकावट उतारने वाली चाय है भाई। हम लोग जा रहे हैं F11 मरकज, तो आइए चल रहे। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं F11 मरकज़ में, ठंड भी काफ़ी हो रही है, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। इरफान इसके बारे में क्या कहोगे? चलें जी, अल्लाह अल्लाह करते हुए फ़ोन उठा लिया बंदे ने, अब उसके घर पहुंचेंगे हम लोग। टफ़ जॉब है डिलीवरी, और हम जितनी जगहों पे भी गए हैं मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा जब हम लोग ये सारा काम ख़त्म कर लेंगे। और डिलीवरी बॉयज़ के साथ जो हो रहा है वही उसी के हवाले से नोटिस करो, तो मैं आपको बताऊंगा। नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपको मैं खास पैगाम देना चाहता हूँ, वो पैगाम ये है कि अक्सर हम कमिटमेंट कर लेते हैं, उस कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरते। तो फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल देता हूँ, किसी को हम टाइम दे दें, टाइम सेट भी हो जाता है, और इन टाइम पर अगर आप फोन या तो उसका नंबर बंद होता है या तो वो बंदा नहीं मिलता। अच्छा, कोशिश किया करेंगे जितने भी अगर आप डिलीवरी या कोई ऑर्डर करवाते हैं तो अपना नंबर जो है वो ऑन रखा करें, ताकि ये लोग जो हैं वो खुमारी से बच जाएं। शाम ढल चुकी है, रात होने वाली है, उस बंदे का वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। हम बार बार रिंग कर रहे हैं लेकिन अब नंबर उसका ऑफ जा रहा है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। प्राइस अभी F11 का काम ख़त्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं जी F11। पीछे हम लोगों ने गोलड़ा दरबार वाला जो रास्ता है वो छोड़ा है, गोलड़ा शरीफ का जो मज़ार है वो हमारे पीछे रह गया, और ये अब हम आगे तरफ जा रहे हैं। ये गोलड़ा G11 का जो रोड है उसके ऊपर ये बाज़ार है, सारा मार्केट है। अभी यहाँ से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं I-8 की तरफ, और ये जहाँ तक आपको लाइट्स नज़र आ रही है ना, ये तकरीबन यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर बनता है रास्ता, और ये हमने यहाँ से सारा तय करके I-8 की तरफ पहुँचना है। I-8 में पहुंच चुके हैं, इरफान अंदर गया हुआ है मेजरमेंट्स वगैरह करने के लिए, और I-8 के बाद हमारा ये काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे, फिर फ्रेश होंगे, और फ्रेश होने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या प्लान है। बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है, ग्रीनरी है, हर घर के आगे ग्रीनरी है, इस चीज़ को हम पिंडी में बहुत मिस करते हैं। वक्त आ गया है जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई थी कि मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो ऑब्ज़र्वेशन आपको बताता हूँ। डिलीवरी बॉयज़ ना देखते हैं बारिश, ना देखते हैं धूप, ना देखते हैं ठंड, उन्होंने आपको सर्विस देनी होती है, वो चाहे किसी भी हाल। तो आप लोग जितने भी मुझे वॉच कर रहे हैं वो कोशिश ये किया करें कि अगर वो आपके डोर स्टेप पे आते हैं तो आप उन्हें पानी का, या अगर ठंड है तो चाय या कहवा का ज़रूर ऑफ़र करें, ज़रूर पूछा करें। उन्होंने पीनी नहीं होती वो, लेकिन फिर भी ऑफ़र कर दिया करें, तो उनका ख्याल रखा करें, क्योंकि इस ठंड में मैं आज रहा हूँ, मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है, टफ़ जॉब है ये। सही, सर्दियां आती जाएं और मछली की शॉप्स पे रश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। धड़ाधड़ मछली निकल रही है भाई, सर्दी का मौसम है।
अभी हम लोग अपने ही रोड पे एक फिश वाले आए हैं, उन्होंने नई शॉप ओपन की है, तो मैं और इरफान, भूख भी लगी हुई थी, मैं और इरफान आए हैं यहाँ पे फ़िश खाने के लिए, और यहाँ पे आपको ऑनेस्ट रिव्यू भी देंगे कि इनके फ़िश का जायका कैसा है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 1 किलो मुश्का ऑर्डर करवाई है बारबेक्यू में, तो इरफान मेरे साथ हैं, आज पूरा दिन इनके साथ स्पेंड किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान कैसा लगा आज? बहुत अच्छा बहुत, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जो गैदरिंग होती है बहुत अच्छी होती है, और स्पेशली जो बड़ी फ्रेंड्स हो अपने बचपन की, तो गपशप और टाइम गुजारना, बातचीत करना, सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैंने और इरफान ने तकरीबन 4.5 साल एक साथ काम किया, और हमारी आप यकीन करें कि इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमारी आज तक लड़ाई नहीं हुई, किसी बात पे लड़ाई नहीं। इरफान ने कहना है वहाँ जाना है, मैंने कहना है जाना है, और किसी बात पे भी, हालांकि होता है कई दोस्तों में आपस में लड़ाई होती है, आज दिन तक हमारी लड़ाई आपस में नहीं हुई, कोई सीन नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़ा हो, बिल्कुल प्यार मोहब्बत चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहे। तो अब चलते हैं, हमारी फिश ऑर्डर हो चुकी भी है, और जैसे ही आती है आपको दिखाते हैं और उसका ऑनेस्ट रिव्यू भी देंगे कि टेस्ट कैसा है। किलो मुश्का हम लोगों ने करवाई है एज अ टेस्ट चेक करने के लिए। अभी ये भाई इसका जो मसाला है वो उसको लगा रहे हैं, ज़रा सही थप थपाई हो रही है यार, मसाला ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना भाई, दरमियाना होगा, हाँ दरमियाना मसाला हो। हमने इसकी ये हालत की है। इरफान कैसा जायका था? बहुत ज़्यादा स्पाइसी। और यकीन करें बारबेक्यू में मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी स्पाइसी फिश जो है वो खाई है, मज़ा भी आया है। वो कहते हैं ना, रुलते गए हैं, चस्प बड़ी आई है, तो आइए अब चस्प लेते हैं।